वेलकम टू टेक्स्ट गैलेक्सी, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 को ध्यान में रखते हुए आज हम इतिहास के 91 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ ही उनकी व्याख्या भी अच्छे से देखेंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके इतिहास का 5 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको पेट की टेस्ट सीरीज मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? बी डी सावरकर, करेक्ट आंसर ए होगा। वर्ष 1904 में बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। बी डी सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र नासिक में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन बाद में अभिनव भारत बना। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किस फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, करेक्ट आंसर ए होगा। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं? शिव वर्मा, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, करेक्ट आंसर ए होगा। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वह वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, करेक्ट आंसर ए होगा। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, करेक्ट आंसर ए होगा। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी, करेक्ट आंसर बी होगा। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी क्यों? ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल, करेक्ट आंसर सी होगा। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? वायक्यूम सत्याग्रह, करेक्ट आंसर सी होगा। वायकोम के मंदिर प्रवेश संबंधी सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता के राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? चंपारण सत्याग्रह, करेक्ट आंसर डी होगा। दी गई घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच मतभेद सुझाए गए, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? तो सबसे जोरदार जो विरोध किया था विंस्टन चर्चिल ने किया था, करेक्ट आंसर सी होगा। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था। नेक्स्ट है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? लाला लाजपत राय, करेक्ट आंसर बी होगा। 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा गंभीर प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, घायल होने के बाद उपयुक्त वाक लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय, करेक्ट आंसर बी होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता तथा नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कार्नवालिस, करेक्ट आंसर सी होगा। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कार्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथककरण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कार्नवालिस ने पुलिस कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। नेक्स्ट है, व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर बी होगा। महाराष्ट्र में तिलक के 2 शिष्यों दामोदर हरी चापेकर व बालकृष्ण चापेकर द्वारा 1896 से 1897 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? गणेश घोष, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण, करेक्ट आंसर डी होगा। अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी सहित ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि जुड़े थे। नेक्स्ट है,
मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी, 1940 में की गई थी। करेक्ट आंसर सी होगा। 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। शिमला करेक्ट आंसर बी होगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, इसीलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, यद्यपि चीन इस रेखा की मान्यता नहीं देता। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। करेक्ट आंसर डी होगा। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सन 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। सर सैयद अहमद खान द्वारा तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादन किया गया। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर सी। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स आयोग। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर सी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ। गांधी जी ने डांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की है और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। करेक्ट आंसर सी होगा। सत्य और अहिंसा गांधी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य का साध मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं सिवाय सत्य के। मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और ना ही किसी अन्य का अनुशासन मानता। नेक्स्ट है, गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। करेक्ट आंसर सी होगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया। अलीपुर षड्यंत्र केस के पश्चात इन्होंने राजनीति में संयास ले लिया। नेक्स्ट है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। करेक्ट आंसर सी होगा। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी की हत्या के पश्चात अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी यह विश्वास नहीं करेगी कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर चला था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर डी होगा। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के मैदान सॉरी
गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही सत्याग्रह के लिए कला को अभ्यास के तौर पर सीखा था। आगे इस कला का प्रयोग भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में किया और देश को आज़ादी दिलाने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने पर बाद अल बलाग की स्थापना की 1915 में की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। तदुपरांत आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची वन और सूची टू, सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी, बी डी सावरकर हिंदू महासभा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी, बी डी सावरकर हिंदू महासभा। नेक्स्ट है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जे बी कृपलानी, करेक्ट आंसर डी होगा। 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जे बी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन, करेक्ट आंसर सी होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920-22 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। इस संदर्भ में एचिंसन की टिप्पणी उल्लेखनीय है, इस मिसाल में हम मुसलमानों के हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता, करेक्ट आंसर सी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, करेक्ट आंसर ए होगा। वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था? समाज सुधार, करेक्ट आंसर बी होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप में एक शिखर के समान थे। वह मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पिता थे। नेक्स्ट है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू का सुमेलन कीजिए। सूची वन सूची टू दिया गया है, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तथा इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी, कलकत्ता। करेक्ट आंसर बी होगा। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया। दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि की गई। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। एससी बोस, कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन, सरदार पटेल बारदोली आंदोलन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन आएगा, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट। करेक्ट आंसर डी होगा। रोलेक्ट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। साइमन कमीशन ने 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में पूना के यरोदा जेल में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। इसी माह गांधी जी ने अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट है, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे, मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर डी होगा। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे। वर्ष 1907 से उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, 1899 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था इंडिया। करेक्ट आंसर बी होगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक एक जनरल का प्रकाशन 1890 ईस्वी में कराया गया, जिसे 1898 ईस्वी में साप्ताहिक बना दिया गया। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक। करेक्ट आंसर डी होगा। स्वशासन आंदोलन होम रूल आंदोलन को ही कहते हैं, जिसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी की अवधि में चलाया गया था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेला थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रस्ताव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत में बरार तक फैला हुआ था। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जे बी कृपलानी। करेक्ट आंसर डी होगा। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे बी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्हें वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया। करेक्ट आंसर ये होगा। जनगणमन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे प्रथम बार कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, कैबिनेट मिशन।
करेक्ट आंसर सी होगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा ए बी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। नेक्स्ट है, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? सैयद अहमद खान, करेक्ट आंसर सी होगा। 1893 में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बेस समाज केशव संत से तथा श्रीधरलु नायडू, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर विश्वविद्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र, करेक्ट आंसर बी होगा। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से सभी, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, करेक्ट आंसर सी होगा। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था? वेव मिलर, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? बंगाल, करेक्ट आंसर ए होगा। बिहार, उड़ीसा, मद्रास में बनाई थी, बंगाल में नहीं बनाई थी, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरी अधिवेशन, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, उपयुक्त सभी ने, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर सी होगा। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। करेक्ट आंसर सी होगा। भारत छोड़ो तथा करो मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने किया। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। करेक्ट आंसर ए होगा। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। नेक्स्ट है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। नेक्स्ट है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? साइमन कमीशन। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ए होगा। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील की प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, या किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था ए ओ ह्यूम। करेक्ट आंसर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में बंबई में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी तथा पहले महासचिव ए ए ह्यूम थे। ए ए ह्यूम एक अंग्रेजी सर अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर डी होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा, सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। करेक्ट आंसर बी होगा। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी में भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसी के समय
चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत का वायसराय था, जिसके समय 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में महात्मा गांधी के विषय में क्या सत्य नहीं है? गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी भगवत गीता को पिता नहीं माता मानते थे। महात्मा गांधी भगवत गीता को अपनी माता मानते थे। इन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दी। ये कुटीर उद्योग के समर्थक थे तथा टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहा था? दांडी मार्च। करेक्ट आंसर डी होगा। दांडी मार्च के समय उपयुक्त कथन गांधी जी द्वारा कहा गया। गांधी जी ने आंदोलन में चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? उधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या 1940 में की गई थी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में तिलक के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर ए होगा। बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग का गठन किया। इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तिलक पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने वकीलों की टीम का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तथा बटुकेश्वर दत्त ने सांडर्स की हत्या कब की थी? 1928 में। करेक्ट आंसर सी होगा। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें बर्बरता से पीटा गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तथा बटुकेश्वर दत्त ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 ईस्वी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में नहीं 1928 में हुई थी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1916-1917 में जस्टिस आंदोलन कहाँ चलाया गया था? मद्रास। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया था? बीपी वाड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मद्रास मजदूर संघ के नाम से 1918 ईस्वी में बीपी वाड़िया ने भारत का प्रथम मजदूर संघ स्थापित किया था। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। एम एन जोशी के प्रयास से 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था? प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर बी होगा। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसमें गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र देव नारायण पांडे, केदारनाथ तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सर्वप्रथम यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? सिंगापुर। करेक्ट आंसर बी होगा। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। इन्होंने यहीं पर उपयुक्त नारा सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया। नेक्स्ट है, जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा था? अंडमान। करेक्ट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1943। करेक्ट आंसर बी होगा। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो एक अस्थायी सरकार थी। जापान, जर्मनी तथा इटली में इसे मान्यता प्रदान की। इस अस्थायी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। नेक्स्ट है, 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहाँ चलाया गया? दिल्ली। करेक्ट आंसर सी होगा। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कार्दू तथा आसफ अली ने बचाव वकालत किया था। नेक्स्ट है, 1945 में दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया? मोहन सिंह। करेक्ट आंसर ए होगा। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक गुरुबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शाहनवाज खानकर मुकदमा चलाया गया। मोहन सिंह इसमें शामिल नहीं थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।